सलमान खुर्शीद वो भगवान राम को जानते ही क्या है? सलमान खुर्शीद जैसे लोगों ने ही कांग्रेस को इस रसातल तक भेजा है। अगर सलमान खुर्शीद को राहुल गांधी में ही राम नजर आते हैं, वही राम उनको नजर आते हैं, तो मेरा मानना है कि सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को अपना इलाज कराना चाहिए। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, अब वो उत्तर प्रदेश की ओर रुख कर रहा है और उसमें उन्होंने सारे विपक्ष को न्योता दिया है, खासकर मायावती और अखिलेश यादव को। स्वागत है उनका, ये कोई पहली बार तो दिया नहीं है, ये तो पहले भी न्योता क्या, पहले तो मिल चुके हैं, पहले साथ यात्रा कर चुके हैं, फिर जनता से नकारे जा चुके हैं। लेकिन समस्या है कि ये भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो यात्रा है, इस पे विचार होना चाहिए। आप जब साउथ से शुरुआत किए तो एक ऐसे चर्च के पदाधिकारी से मिले। हमारे देश में बहुत सारे चर्च के पदाधिकारी हैं जो बहुत देशभक्त हैं, देश के साथ चल रहे हैं, पूरी कम्युनिटी बहुत अच्छे से राष्ट्रवादी तरीके से चल रही है, लेकिन राहुल गांधी जिससे मिलते हैं वो देश विरोधी बातें करता है, वो देश को हमेशा गलत शब्दों से परिभाषित करता है। तो वहाँ भी उन्होंने देश का दिल तोड़ा। रास्ते में आगे चलते हैं तो कन्हैया कुमार जैसे लोग उनके साथी होते हैं, जिसका नारा है भारत तेरे टुकड़े होंगे, वहाँ भी दिल टूटा। राजस्थान आते आते मोबाइल तोड़ दिए किसी कार्यकर्ता का। तो भैया सब तो तोड़ ही रहे हो, कुछ तो जोड़ो। मैं समझता हूँ ये इनकी यात्रा अच्छा, मैं इसको मानता अगर ये देश के अच्छे अच्छे लोगों को तोड़ते। कल मेवात के एक व्यक्ति का मैं कोई रसीद चाचा है उनका मैं सुन रहा था बयान, वो कहते हैं कि ये चलते हैं तो बात भी नहीं करते, लोग रस्सी में से बांधे रहते हैं, चलते जाते हैं। तो अगर ऐसी ही यात्रा है, हमें तो लगा था कि इस यात्रा से कुछ राहुल जी का और कांग्रेस का फायदा होगा, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन हम उनका स्वागत करते हैं, घूमें, कम से कम देश के लोगों की मनोदशा और भावनाओं तो समझें।